बता देते। नमस्कार, आई एम अंजनी कुमार गुप्ता, योर फ्लूट प्रमोटर फ्रॉम इंडिया। आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं बिगनेस लेवल के हिसाब से राग मधुबंती। इसके पहले के एक एपिसोड में मैंने एक राग मालकोस का एक फ्लूट लेसन डाला था जो कि बिगनेस लेवल के लिए था, और अक्सर वो गाना या वो धुन जो है बिस्मिल्लाह खान साहब जी का जो है बचपन से हम लोग सुनते आए हैं। जब भी कहीं शादी के मौसम में कहीं शादी में गए तो ज़रूर सुनाई देता था। तो बिस्मिल्लाह खान साहब जी का ही बजाया हुआ बहुत सारा ट्यून है जो अक्सर शादी ब्याह में या जब भी कोई शुभ मुहूर्त होता है हमारे घर में तो बजाया जाता है। तो इसी से रिलेटेड आज मैं ये दूसरा फ्लूट लेसन डाल रहा हूँ। ये राग मधुबंती में है और जब इसको आप सुनेंगे तो वाकई आप महसूस करेंगे कि ये बड़ा ही खूबसूरत है। आपको बहुत सारी मीठी मीठी यादें आपके जहन में तैरने लगेगी बचपन से लेकर अभी तक, आप जिस उम्र में भी हो, लेकिन ये जब धुन सुनेंगे तो बहुत सारी याद, बहुत सारी ख्याल आपके दिमाग में तैरने लगेंगे। तो पहले इस धुन को सुन लेते हैं, थोड़ा सा मैं आपको सुना रहा हूँ। फ्लूट ई बेस मैंने रखा है, Thank you।
तो ये था मेरा दूसरा एपिसोड मैरिज ट्यून का। आइए परिचय में देखते हैं राग मधुबंती को। बहुत तेजी तो नहीं है, लेकिन आप मेहनत करना चाहेंगे एक महीने में हो जाएगा। सुर जो इसमें लग रहे हैं इसको इस देख लीजिए, इसमें कोमल गंधार और तीव्र मध्यम लग रहा है। शुरुआत करेंगे नी से, नी सा कोमल गा तीव्र मा पा शुद्ध नी सा, यानी आरोह में पांच नोट है, नी को मैंने साथ में रख लिया है इसलिए डबल काउंटिंग में इसको आप जोड़ेंगे नहीं। सा कोमल गा मा पा नी सा, तो हमारे पास ऑर्डर हो गया सा गा मा पा नी सा, और अब रो संपूर्ण है सा नी धा पा मा तीव्र कोमल गंधार ऋषभ और सा। प वादी स्वर है, रे को आप संवादी मानेंगे। आइए ये हमारा आरोह अवरोह हो गया। अब आइए इसके आरोह को दो टुकड़े कीजिए, नी सा गा मा, पहला टुकड़ा पहला फ्रेज बना लीजिए, सेकंड फ्रेज पा नी सा लिख लीजिएगा, सा नी धा पा थर्ड फ्रेज हो गया। ये हमारा अवरोह है मा गा रे सा। इस राग की खासियत यह है कि हर सुर पर जो आरोह में है सा गा मा पा और नी, ये चारों नोट्स पर ठहराव है। आप कहीं भी खड़े हो जाए कहीं भी बजाए इस तरह से। बहुत सुंदर लगेगा बजाने में। नी सा गा मा नी सा गा मा पा, और अवरो सा नी धा पा पा मा गा रे। रे संवादी स्वर है इसलिए रे पर भी ठहराव है, पा मा गा रे सा। तो पहला फ्रेज बना लीजिए और नी सा गा, सेकंड फ्रेज बना लीजिए नी सा गा मा, थर्ड फ्रेज बना लीजिए नी सा गा मा पा, फोर्थ फ्रेज हो गया और पा मा गा रे, इसको भी लिख लीजिए। इस सब का इस्तेमाल करेंगे आलाप बनाने के लिए और तान बनाने के लिए। और आगे पा नी सा और फिर सा नी धा पा, ये सब फ्रेजेज हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए तो करीब करीब 8 से 10 फ्रेज आपको मिल जाएंगे। और हर फ्रेज को एक गुण में, दो गुण में, चौगुण में खूब अभ्यास कीजिए। नी सा इसको अड़गुन में मरेंगे, निजा 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 निजा। अब निशा गा, निशा गा निशा गा निशा गा निशा गा निशा गा निशा गा, इस तरह खूब बोलिए और बजाइए। निशा गा मा 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 निशा गा मा, और फिर लौटिए निशा गा मा पा। कई अंदाज से कहने का, नी नी सा गा मा मा पा नी सा गा मा पा। चूंकि आपने जो बचपन से सुना है और इस ट्यून को आप निकाल कर फिर से YouTube पर चेक कीजिए, तो इस तरह के फ्रेजेस खूब बिस्मिल्लाह खान साहब इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको बजाइए। और टंगिंग का तो जोरदार इस्तेमाल है। इस तरह से पंचम तक ऊपर जाने की इच्छा हो तो आप ऊपर जा सकते हैं, और जैसे जैसे अभ्यास गहन होता जाएगा वैसे वैसे आप आगे बढ़ते जाइए। अब बंदिश देख लेते हैं, इसको मैं पढ़ के दिखा देता हूं। और यह बंदिश मैंने 160 BPM पर रखा था
आइए देखिए, बंदिश नौवीं मात्रा से नहीं चालू होकर देखिएगा बारहवीं मात्रा से शुरू है। धा धिन धिन धा धिन धिन धा तिन तिन मा प ग स रे स नी स ग म प म ग। और इसको तोड़ के बताता हूँ, मा प ग स रे सा, यह नौ मात्रा कंप्लीट हुआ। मा सिंगल, प ग अ सा, प ग अ सा, चार मिनट। फिर सम पर आता है रे डैश सा डैश, चार मात्रा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद फिर दूसरी ताली से नी सा ग मा, चार मात्रा यहाँ खाली से देखिए प म ग, खाली पर आ जाता है प म ग, यहाँ मिलाकर हमारा 16 मात्रा हो जाता है। वीडियो को थोड़ा थोड़ा रोक कर पॉज कर करके इसको लिख लीजिए। मैं फिर से पढ़ देता हूँ, धा तिन तिन मा पा गा सा रे सा नी सा गा मा पा मा गा। सेकेंड लाइन मा पा नी सा नी धा पा, नी धा पा, मा मा पा मा गा रे सा। फ्लूट लेसन को अगर आप सीखना चाहें तो ऑनलाइन भी सीख सकते हैं और इस वीडियो को देखकर भी सीख सकते हैं। कठिनाई होगी मैं समझता हूँ, लेकिन वीडियो को जरूर देखिए और अच्छे से देखिए। और सीखना अगर हो तो ऑनलाइन मेरे क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आइए इसको एक बार और मैं अब तबले के साथ दिखा दूँ, चूँकि अब आपने पूरा वीडियो देख लिया है। धा मा पा गा सा रे सा नी सा गा मा पा गा सा रे सा पा मा गा मा पा नी सा नी धा पा मा पा मा गा रे सा मा पा गा सा रे सा। तो ये था फ्लूट लेसन मैरिज ट्यून का, ये हमारे सेकंड एपिसोड हो गया। और भी कुछ एपिसोड मैं डालूंगा जो कि बचपन से जो जितनी सारी यादें हैं आपको भी याद दिलाऊंगा, मैं खुद भी याद कर रहा हूँ। थैंक यू, कीप वॉचिंग मी अंजनी कुमार गुप्ता, योर फ्लूट प्रमोटर फ्रॉम इंडिया।